20 जुलाई 1969 ये ऐतिहासिक दिन था जब मनुष्य ने पहली बार चांद की सतह पे कदम रखा था। नासा के अपोलो 11 मिशन के जरिए एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पे पहली बार कदम रखा। अपोलो 11 के सफलता के बाद 1969 से लेकर 1972 तक कुल 5 मिशन नासा के द्वारा प्रोग्राम किया गया था और इसमें 12 एस्ट्रोनॉट को चांद की सतह पर भेजा गया था। आज से करीब 49 साल पहले यानी 14 दिसंबर 1972 को अमेरिका के एस्ट्रोनॉट एंड्रयू शजनान आखिरी बार चांद पे कदम रखे थे। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, आज से 50 साल पहले हम इंसान जितने एडवांस थे आज उससे 100 गुना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, और आज ऐसे इंसानी मिशन को अंजाम देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर क्यों नासा और अन्य स्पेस एजेंसी इंसानों को चांद पर नहीं भेज रहा? क्या एस्ट्रोनॉट को चांद पर किसी ऐसी अज्ञान चीज दिखी है जिससे कि वो चांद पर जाने से डर रहे हैं? जुलाई 1969 को होने वाली अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग के साथ और भी 2 एस्ट्रोनॉट्स थे। इसी मिशन के कामयाब होने पर पूरी दुनिया जश्न मना रहा था। नासा का कंट्रोल सेंटर अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स के साथ 2400 घंटे संपर्क में था और उनके बीच होने वाली कन्वर्सेशन को पूरी दुनिया के टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। पर अचानक से नासा के कंट्रोल रूम और अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट्स के होने वाले कन्वर्सेशन को बीच में 2-3 मिनट के लिए कट कर दिया गया। पर आखिरकार 2-3 मिनट्स की क्या बात थी जो नासा पूरी दुनिया से छुपा रहा था? पर नासा की ये सीक्रेट ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। दुनिया के कुछ बड़े हैकरों ने नासा के सिस्टम को हैक कर लिया, जिसमें से बहुत सारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो गया, और उसमें से एक 2 मिनट का क्लिप हाथ में लगा। ये वही क्लिप था जो नासा कंट्रोलर और नील आर्मस्ट्रांग के बीच होने वाली कन्वर्सेशन था, जिसे नासा पूरी दुनिया से छुपा रहा था। और एक क्लिप में आप क्लियरली सुन सकते हो कि नील आर्मस्ट्रांग ने नासा के कंट्रोलर से क्या बातचीत कर रहे थे। I would say that there were other space ships that are lined up in the other side of the crater. There they are, and they're watching us. जैसा कि इसी क्लिप में नील आर्मस्ट्रांग ने नासा के कंट्रोलर से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्पेसशिप के थोड़ी दूर और एक स्पेसशिप खड़ा है जहां से एलियन या क्रेचर उन्हें देख रहे हैं। नासा ने अपोलो 17 के बाद और भी 3 मिशन डिजाइन किया था, पर बजट ना होने का बहाना दिखाकर कैंसिल कर दिया। पर ठीक आज से 13 साल पहले रिटायर्ड AFP नामक यूट्यूब चैनल पर रहस्यमय तरीके का एक वीडियो क्लिप अपलोड हुआ। सोवियत यूनियन ने कुछ एस्ट्रोनॉट को चांद पे भेजा था, जिस मिशन का नाम था अपोलो 20। अपोलो 20 मिशन के एक एस्ट्रोनॉट विलियम आर्म ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि जब एस्ट्रोनॉट ने चांद पे पहुंचे तो उन्हें एक टूटा हुआ स्पेसशिप दिखा जिसके अंदर 2 एलियन की लाशें थी, एक मेल और एक फीमेल की, और उन्होंने उसमें से फीमेल की लाश को धरती पे ले आए। उसके बाद वो डेड बॉडी को रिसर्च के लिए एरिया 51 को भेज दिया गया था। एरिया 51 वही जगह है जहां पर US मिलिट्री की सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया जाता है। पर नासा को जब एक क्लिप के बारे में पता चला तो हमेशा की तरह इस बार भी इस क्लिप को अपोलो 20 हॉक्स करार कर दिया। बहुत से UFO स्पेशलिस्ट का ये मानना है कि ये घटना बिल्कुल सच्ची है और नासा सारी दुनिया से छुपा रहा है।